Hey, what's up guys? I'm your certified fitness trainer Hasan Ali. So guys, आज की वीडियो आप लोगों ने कैप्शन पढ़ ली है कि आज की वीडियो है हमारी रमजान डाइट प्लान पे। एक भाई ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि हसन भाई आप जो सा है मसल गेनिंग डाइट प्लान बताएं जिसमें हम रमजान में मसल गेन कर सके। तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इट्स पॉसिबल, लेकिन ये इतना हार्ड और इतना मुश्किल है और लॉकडाउन की सिचुएशन में बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर आप लोगों को किसी कीड़े ने काट लिया कि नहीं हमने रमजान में मसल ही बिल्ड करना है, तो ये एक मतलब के तार पे चलने की तरह होगा जो बिजली वाली है। लेकिन अगेन मैंने किया है, 2 से 3 किलो तक गेन किया है मैंने, इससे ज़्यादा का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। पिछले साल की ही बात है, लेकिन उसमें यह था कि मैंने लास्ट कॉम्पिटिशन खेलना था, मैंने मतलब कि एक चैलेंज समझ के इसको एक्सेप्ट किया था। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन कर सकते हैं आप। तो गाइस आज की वीडियो है हमारी फैट बर्निंग फैट लॉस, हमारा प्रोग्राम होगा पूरा 30 डेज चैलेंज है ये, रमजान 30 डेज चैलेंज। इसमें आपका 10 से 15 किलो गारंटेड वजन जो है ना उड़ जाना है। आप वर्कआउट करें या ना करें आपका वजन जो है उड़ जाना है। जो डाइट प्लान मैं आपको बताने लगा हूँ आपकी 7 नस्लें याद करेंगे और आप आगे उनको भी बताया करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि यार मैं कभी भी ज़्यादातर वर्कआउट्स के अलावा डाइट प्लान की वीडियोस नहीं बनाता, उसकी खास रीज़न होती है। मैंने फीमेल्स वाली वीडियो में भी बताया था कि आपकी बॉडी को नहीं पता आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं या आप कौन सी डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप एप्पल डाइट फॉलो कर रहे हैं, 1000 किस्म की डाइट्स हैं। आपकी बॉडी को सिर्फ ये पता है कि आपकी बॉडी में कितने कार्ब्स जा रहे हैं, कितनी प्रोटीन्स जा रही हैं, कितनी फैट्स जा रही हैं और वो किस किस तरीके की जा रही हैं। आपके आपकी बॉडी में जो फैट्स जा रही हैं वो सैचुरेटेड फैट हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, कौन से टाइप की फैट्स जा रही हैं, कौन सी लेवल की आप प्रोटीन डाल रहे हैं, खैर वो टॉपिक किसी और तरह निकल जाएगा। तो हमारी बॉडी को यही चीज़ें पता है। अगर हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो हमें इन 3 चीज़ों पर रिलाई करना पड़ेगा। आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बैलेंस हो गए तो ही आप अच्छी एक फिजीक हासिल कर सकते हैं। रही बात कीटो डाइट की, अगेन कीटो डाइट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कार्ब्स को बिल्कुल जीरो कर देना मैं पर्सनली ऐसा नहीं समझता कि करना चाहिए। दूसरी बात, जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है डाइट प्लान, उनको मैंने डाइट प्लान दिया हुआ है। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो देख ले, लेकिन उसने ये फॉलो नहीं करना, पहले बता देता हूँ। फिर रमजान बेस्ट टाइम है आपका फैट बर्न करने के लिए। सो जो मैं डाइट बताने लगा जिस तरीके से, अगर आप उसी तरीके से कर लेंगे तो आपकी 30 दिन बाद आपकी ज़िंदगी बदल जानी है। और ईद पे आपने भाई का एक काम करना है कि आपने भाई को बिफोर आफ्टर अपनी पिक्चर भेज देनी है, अपना जो भी आपका वेट जितना भी लॉस करेंगे एक मैसेज कर देना। उससे क्या होता है मेरी मोटिवेशन हो जाती है और आपको मैं मेरे इंस्टाग्राम पे मेंशन भी करूंगा अपने अकाउंट पे कि आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन की है। ठीक हो गया, सो वीडियो की तरफ चलते हैं, टाइम जाए किए बगैर, कीप वॉचिंग। Marvin Divine, Huber, Axel, and you know how we do. सो गाइस सबसे पहले है हमारी अफ्तारी, और अफ्तारी में सबसे पहली चीज़ है सुन्नत, और सुन्नत है खजूर। खजूर में हमेशा मेरी डाइट में खजूर, अफ्तारी में हमेशा खजूर ही होती है, उसके अलावा या पानी या खजूर, या पानी या खजूर। अगर आपके पास खजूर अवेलेबल नहीं है देन आप पानी पे स्विच करेंगे। ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है, ORS चाहिए आपको, इसमें आपको नींबू चाहिए और ठंडा पानी चाहिए। ठंडा पानी इतना ज़्यादा नहीं कि आपका जो सा गला पकड़ा जाए, ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगेन आपका जो सा है वो इम्यून सिस्टम और आपका विटामिन सी, आपको पता है कि आजकल कितना ज़रूरी है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए क्योंकि कोरोना वायरस भी चल रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 लीटर पानी में हसबे जायका नींबू यूज़ करना है और 1 लीटर पानी के अंदर एक वो पूरा साशे जो सा है ORS का डाल देना है। फ्लेवर जो सा है आपका, मेक श्योर आपका जो फ्लेवर है वो लेमन ही हो क्योंकि मैंने ट्राई किया है, उसके अलावा इसका मज़ा नहीं आपको आएगा। नमक में आपने कोशिश करनी है कि आप पिंक सॉल्ट का यूज़ करें, अगर पिंक सॉल्ट नहीं है तो वाइट भी चलेगा, लेकिन इसमें चीनी आपने नहीं डालनी। ये हो गया आपका स्टार्टर जिससे आपने रोज़ा अफ्तार करना है, और वो कोशिश करनी है कि आराम आराम से करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप वाटर इनटेक करें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वजू करना है, नमाज़ पढ़नी है, उससे पहले आपने बाकी चीज़ें नहीं खानी। नमाज पढ़ के आए अच्छी तरह से आपकी बॉडी जो है हाइड्रेटेड हो जाएगी। अब जो हम प्रोटीन और बाकी चीज़ें लेंगे वो हमारे बायो अवेलेबिलिटी अच्छी रहेगी बॉडी में। सो आप नमाज पढ़ के आ गए वापस, सबसे पहले आपने एक काम करना है कि आपने 5 एग वाइट्स, सिर्फ वाइट्स लेने हैं, आपने योक पार्ट नहीं लेना। ठीक हो गया, सो 5 एग वाइट्स आपने जो उनसे हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, साथ आपके होगा सलाद, और सलाद में ये 3 चीज़ें आपकी बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। 1 आपका कुकम्बर, 2 आपकी बंद गोभी, 3 आपके शिमला मिर्च, और ये 3 चीज़ें आपके सलाद में लाजमी होनी चाहिए। बाकी सीजनल हैं, जो चीज़ें आप डालना चाहते हैं आप डाल लें, ठीक है, लेकिन आपने
हर मील से आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले, कम से कम 10 मिनट पहले आपका सलाद होगा, वो सलाद आप इकट्ठा बना के रख लें, उसको वन कप की सर्विंग कर लेना। उसके साथ आपने क्या करना है, उसी डाइट के अंदर आपने उसी सलाद के अंदर एक छोटी चम्मच एप्पल विनेगर की ऊपर डालनी है, के साथ आपका होगा 150 ग्राम चिकन, ठीक है। सो ये चीज़ें आप भूल जाएंगे, 100 ग्राम की सर्विंग है, इसमें 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगी। वो गोरों की जो थ्योरीज हैं उनको साइड पे रख दें, वो रोज़े नहीं रखते, रोज़े हम रखते हैं तो हमें पता है कि किस तरीके से हमारा मेटाबॉलिज्म कैसे काम कर रहा होता है। तो उस एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। 150 ग्राम चिकन, मैं कहूँगा कि 200 ग्राम तक लें, हमारा बॉयज़ का और हिसाब किताब होता है, जो वर्कआउट करने में लें तो 200 ग्राम तक लें, अगर वर्कआउट नहीं करें तो 150 ग्राम चिकन, ठीक हो गया। सो ये एक अलग सा टॉपिक है, फिर इस पर कभी बात करेंगे। सो आपने जो कहा जा रहा है आपने सिर्फ वही करना है, उसके बाद जो उनसे है आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है। एक आपको ऑप्शन दे रहा हूँ स्ट्रॉबेरीज की, 1 कप स्ट्रॉबेरीज आप ले सकते हैं। घर में फ्रूट चाट भी पड़ा होगा, घर में दही बल्ले भी पड़े होंगे, घर में पकौड़े भी पड़े होंगे, समोसे भी पड़े होंगे, तो काका उस तो तुसी दूर रहना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट मील है आपकी डिनर। तो आपकी जो नेक्स्ट मील है वो है डिनर, और डिनर में आपको चाहिए 120 ग्राम फिश। अगेन कोई भी फिश आप ले सकते हैं, उसको तलना नहीं है, फ्राई नहीं करना, आपने उसको स्टीम करना है, और आप इसमें कोई भी फिश यूज कर सकते हैं, आप तिलापिया कर सकते हैं, आप चिड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडे पानी में रहती है कोई, गर्म पानी में रहती है, तो बहुत सी फिश हैं। अगेन आपको मैं ये कहूँगा काला रोल है, चिट्टा रोल है, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको खाने में इजी लगती है। 120 ग्राम आपकी होगी फिश, साथ आपका एक वाइट कप का वाइट राइस का कप होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि यार चावल खाने से हम फैट हो जाएंगे, रोटी खाने से हम फैट हो जाएंगे, तो अब यस नैन भाई, हमें चावल भी खिलाए जा रहे हैं, रोटी भी खिलाई जा रही है। सो जैसे आपको कह रहा हूँ ऐसे करें, आपको रिजल्ट ईद पर मिल जाएंगे। सो खैर सबसे पहली चीज़ ये कि गंदम और अनाज अल्लाह पाक ने खाने के लिए बनाया, ठीक हो गया। सो इस चीज़ को आपने नहीं भूलना, अगर इसको छोड़ेंगे तो आप बहुत गलती करते हैं। मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को भी ये कहता हूँ कि यार ये देखो ये चीज़ें छोड़नी नहीं है, थोड़ी कर देंगे क्वांटिटी, लेकिन एक बैलेंस होता है डाइट का, जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे आप कर लेना। एक आपने दोबारा, आपको पता है कि सलाद आपका 5 से 10 मिनट पहले कम से कम होगा, वो उसी तरीके से जब ये आपका तरावियों के बाद होगा टाइम, तो आपने सेट करना है, मैं आपको सिर्फ मील्स बता रहा हूँ, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने पीना है 1 कप चाय का, और चाय के अंदर आपने चीनी नहीं डालनी, आपने एक छोटी चम्मच डालनी है उसके अंदर शहद। और फीमेल्स को मैंने परमिशन दी थी जैगरी की, आपके लिए जैगरी की ऑप्शन नहीं है, आपने सिर्फ जो सा है शहद ही है आपके लिए। अगर शहद नहीं है तो फीकी चाय पिए, और अगर चाय नहीं पीना चाहते देन आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोई कावा इस्तेमाल करें या कोई ऐसी चीज़ करें। गर्मियों के रोज़े हैं और इसमें हमने डिहाइड्रेशन से ज़्यादा बचना है। इस वक्त पे कावे वगैरह, मैं ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ वैसे भी जुड़े रहते हैं हर वक्त, मुझे आदत ही ऐसे ऐसे बात करने की है, लेकिन ये वाकई में मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, ये कावा और डिटॉक्शन टीज वगैरह छोड़ दें, इन चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे ऐसे डिटॉक्शन कावे बताऊंगा कि आपकी सोच होगी। सो ये हो गया आपका डिनर। और नेक्स्ट मील है आपकी स्नैक। अब रातों को आपने क्रिकेट भी खेलनी है, छत पे चढ़ के गुड़ियों के पेचे भी करने हैं, तो यार ये देखो यार बाज आ जाओ, टल जाओ, बंदे तो पुत्र बनो, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट आपकी मील है, अब आ गया टाइम आपका स्नैक्स का। स्नैक्स में आपने क्या करना है, आपको चाहिए एक, आपको सेब की ऑप्शन दे रहा हूँ, एक अमरूद इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप पपीता इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि इतना आपने ज़बान खोलनी है तो इतनी बार निकाल लेनी है, मुझे पता है। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये पत्थर पर लकीर है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं खाना। और इसके साथ ही आपको वाटर इनटेक आपकी बता दूँ कि आपने जितने केजी आपका वेट है उतने ऑन्सेस आपने वाटर पीना है। ये हमेशा मैं कहता हूँ ये चार आठ गिलास पानी पिए, और ये वो डॉक्टर्स की और मेरी एक अलग सी बहस है, उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। आपने क्या करना है, जितने केजी आपका वेट है उतने ऑन्सेस आपने वाटर लेना है, ठीक है। सो आपने किसी और किस्म के पंगे में नहीं पड़ना, ठीक है। तो पानी इनटेक ज़्यादा करें, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ अंदाजे से कि आपने कम से कम 5 लीटर पानी पीना है, और पानी जो ऐसा है आहिस्ता आहिस्ता करके पिए, और इस 5 लीटर के अंदर ही आपको अफ्तारी वाला पानी भी मैंने ऐड किया हुआ है। अफ्तारी से लेके सहरी तक आपने 5 लीटर ख़त्म करना है कैसे भी करके, सारी मील्स के साथ साथ। आपने ये नहीं सोचना कि यार स्नैक में इतनी ज़्यादा डाइट बता दी है तो हमें फ़र्क कैसे पड़ेगा, ये जब आप कर लेंगे ना देखें आपको उसके बाद जो फ़ौरन से वेट बढ़ता है वो भी नहीं बढ़ेगा, और उसके बाद आप हेल्दी फील करेंगे बहुत ज़्यादा। सो मैं आप लोगों को ये प्रेफर करूँगा कि यार थोड़ी सी कोशिश करना, वॉक ज़रूर कर लेना, और खेल लेना थोड़ा सा, क्रिकेट वगैरह खेल लेना या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर लोगे तो ज़्यादा गुड हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर वर्कआउट करना चाहते हो तो होम वर्कआउट पूरे डिटेल से जो सा है मेरे चैनल पर जाएँ और प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर होम वर्कआउट्स हैं, वो आप फॉलो करें तो बेस्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे, 15 से 20 kg तक आप जो सा है कम कर सकेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपकी मील है सहरी।
शहरी में भाई हमने तो खाने होते हैं पराठे, हमसे तो रहा नहीं जाता पराठों के बगैर। तो सबसे मजे की बात है हम यहाँ पे पराठा भी खा रहे हैं, ठीक है। सो एक होगा आपका शहरी में पराठा, और क्योंकि जब तक तो शहरी में पराठा चाय और दही नाना हो तो फिर भाई यार पंजाबियों को मजा नहीं आने वाला। ऐसे बट्टा ना काका जो है वो तो बेहोश हो जाएगा। बट्टा का काका नाराज नहीं होना चाहिए, मेरे जट यार भी बड़े वेखते पे ने मैंने पता है। सो जो जट यार ने वो परेशान ना हो भाई, पराठा तो खवा रहे हैं। लेकिन अगेन ये देखो हाथ तो भाई के वैसे भी जुड़े रहते हैं। डालडा में नहीं पकना चाहिए आपका पराठा, उसके बाद आपका देसी घी में नहीं पकना चाहिए आपका पराठा पकेगा। एक बड़ी चम्मच उसकी ऑलिव ऑयल की, ठीक है, एक बड़ी चम्मच। और आपने जो सा है उसमें अपने जो आपके वो क्यों खिचड़ी आप लगाते हैं ना ऊपर, वो आपका जो मुंह का सलूना पाना है वो आपने उससे पूरा कर देना है। रोटी पकवाएं उसके ऊपर एक चम्मच जो सी है लगवा लेना, एक्सेप्टेबल। अगेन उसके साथ आपका तीन अंडों का ऑमलेट होगा जिसमें एक योग का इस्तेमाल करेंगे, बाकी आपके वैसे ही जो से हैं चार तक यूज कर सकते हैं, योग आपका एक ही रहेगा। ऑमलेट बना रहे हैं उसके अंदर वेजेस वगैरह हस्बैंड जायका आप जो सी मर्जी डाल सकते हैं। आपके पास मिर्चों की कौन कौन सी ऑप्शन है गौर से सुन लें, ये बहुत जरूरी चीज़ है, ठीक है। फिर आपकी स्किन मोटी होगी और फिर फैट तो बर्न होनी नहीं है, वो भूल जाए आप। काली मिर्च सेकेंड ऑप्शन, ग्रीन मिर्च, और थर्ड आपकी ऑप्शन है जो सी वो वाइट मिर्च जो सी होती है। और इसके अलावा आपको किसी भी किस्म की उसकी ज़रूरत नहीं है मिर्ची। और अगर कोई फीमेल ये वीडियो देख रही है तो उसको मैं बता दूं कि वो वाइट मिर्च वाले पंगे में ना पड़े, उनको जो बताया उनका वैसे ही है, ठीक हो गया। सो ये आपके पास ऑप्शन है मिर्च की, इनके अंदर रह के आपने खेलना है, इससे बाहर नहीं निकलना, ठीक हो गया। सो ये आपकी होगी सहरी। पराठा एक ही पुत्र है ना, एक तू तीन तीन पराठे खा जाते बाद चुकेगी यार स्नैन भी नहीं दसिया तो सू फर्क तो पिया नहीं। फर्क आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये मेरी गारंटी है इंशाल्लाह ताला। और अगर पढ़ेगा तो आप लोगों के लिए ये फर्ज समझ के आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर कर रहे हैं, अभी से फॉलो कर लो भाई को इंस्टाग्राम पे ताकि तुम लोगों को मसला ना हो बाद में ढूंढने का। एंड पे वैसे आएगा मेरा इंस्टाग्राम, वीडियो के एंड पे आएगा, ऊपर पूरा पूरे स्पेलिंग वाइज चलेगा, आप उसको फॉलो कर लेना उसे, ठीक हो गया। सो ये आपकी रहेगी सहरी। सहरी में जब आपने सहरी कर ली देन एंड पे आपने चाय भी पीनी है। चाय अगेन मैं आपको दो कप की ऑप्शन दे रहा हूँ क्योंकि चाय में अक्सरियत हमारे यहाँ पे चाय के बहुत ज्यादा लोग शौकीन है, और उसमें आपको मैंने बता दिया एक छोटी चम्मच आप शहद की यूज़ करेंगे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। शहद मैंने जानबूझ के ऐड करवाया, उसकी खास रीज़न ये है कि कोरोना वायरस भी चल रहा है, हमें हमारे इम्यून सिस्टम पे भी काम करना है, हमें विटामिन डी भी चाहिए, हमें विटामिन B6 भी चाहिए। सो इन चीज़ों को लेकर मैं चल रहा हूँ इस डाइट में। ये नहीं कि यार मैं आपकी रोटी भी छुड़वा दूँ चावल भी छुड़वा दूँ आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाए, एंड पे क्या हो रिजल्ट्स आपका वजन तो कम हो जाए लेकिन आप बीमार पड़े हो। सो हेल्दी वे से वजन कम करें, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि यार मैं सिर्फ वीडियो के व्यूज़ लेने के लिए आप लोगों को, खैर इस पे बाद में बात करते हैं। सो आपकी ये हो जाएगी सहरी। दही की 2 से 3 चमचे आपने लाजमी खानी है एंड पे। अगर आपके पास ग्रीक योगर्ट है तो गुड है, अगर ग्रीक योगर्ट नहीं है तो आप दूसरे योगर्ट की मलाई उतार के जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, ये आपकी होगी सहरी। दही का इस्तेमाल मैं हमेशा करवाता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, आपकी डाइजेशन जो सी है अच्छी रहेगी, डाइजेशन अच्छी रहेगी तो आपकी फैट जल्दी बर्न होगी, ठीक हो गया। सो आज आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैं ऐसे 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 बहुत कम किया, तो एक भाई ने मुझे कहा था कि यार तुम हिलते बहुत हो, मेरा अपना भाई भी मुझे कहता है यार तू वीडियो बनाते हुए इतना हिलता क्यों, तो अब आपका भाई पूरी कोशिश करेगा कि यार करता रहता हूँ ना तो वो काम ना करो, लेकिन मेरा फ्लो जो है बोलने का वो फिर मैं भूल जाता हूँ। आज मैंने वैसे कोशिश की है कि मैं कम हिलूँ, और थैंक यू सो मच यार आप लोग इतना गौर करते हैं मेरे पे, इतना फिक्र करते हैं तभी आप लोग मुझे बताते हैं, मेरा भला सोचते हैं तो मुझे कहते हैं, थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगता है मुझे इसी तरह से मेरी गलतियां बताते रहे ताकि मैं इसको ठीक करता जाऊँ वक्त के साथ साथ। यही थी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो या शेयर कर दिया करो, सपोर्ट करो। अगर नहीं भी करते तो आज से स्टार्ट कर दो सपोर्ट करना है, थल्ले करके बटन है लाल कलर का उसको दबा दो और इसके नीचे घंटी होगी उसको भी हिला दो, और अब घंटियाँ ऐसे ही बजती हैं, तुम लोगों की सपोर्ट चाहिए। लव यू ऑल, स्टे नेचुरल, बी हैप्पी। अच्छा यार मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों को आसान डाइट बताऊं, लेकिन इसमें फ़िश मुझे एक ऐसी चीज़ लगती है कि जो शायद हर किसी के पास अवेलेबल ना हो क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो चिकन इजीली अवेलेबल होगा, आप चिकन को स्विच कर सकते हैं, चिकन की सर्विंग 2 कर सकते हैं, डिनर में भी आप चिकन ले सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों को चिकन से प्रॉब्लम है, चिकन ज़्यादा नहीं खाया जा सकता, तो देन वो 4 अंडों की भुर्जियाँ बना सकते हैं। भुर्जी आप अगेन वेजेज में लाइक जिस तरह से ऑमलेट बनता है वैसे ही आप बना के खा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। लव यू ऑल, स्टे नेचुरल, बी हैप्पी।